うん。 बच्चों एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में गति और उसके नियम के अध्याय को लेसन को समाप्त किया था तो और वो भी लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था बच्चों तो चलिए इस लेसन के समाप्ति के बाद आज हम लोग एक नए लेसन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है घर्षण फ्रिक्शन और ये आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए बच्चों कि ये फ्रिक्शन बेहद ही इंटरेस्टिंग लेसन है है कि नहीं क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से डायरेक्ट रिलेटेड होता है ये जुड़ा हुआ रहता है है ना क्योंकि घर्षण के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं बहुत ऐसा चीज़ होते हैं बच्चों जिससे हमको घर्षण से नुकसान पहुंचाता है तो ये हमें फायदा भी पहुंचाता है तो आज के इस क्लास में बच्चों मैं डिस्कस करूँगा कि आखिर घर्षण क्या होता है ये कैसे उत्पन्न होता है और इसके कितने कितने प्रकार होते हैं सब इन सभी बातों पर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने तो आप लोग अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठे ताकि मैं जुड़ी

घर्षण के वजह से हम है ना सतह पर चल सकते हैं है ना हम बोल सकते हैं तो बहुत तरह की बातें होती हैं जो कि जिसके हमको घर्षण हमको फ़ायदा पहुँचाता है वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो घर्षण हमको नुकसान भी पहुँचाता है है ना घर्षण की वजह से आप जानते हैं कि आपके बाइक या फिर आपके साइकिल के जो पहिया होता है जो टायर होता है वो हमेशा गतिशील है ना सतह पर गतिशील होने के वजह से वो घिस जाता है बड़े बड़े कारखाने जो होते हैं है कि नहीं उसमें जो घर घुर्नन करने वाली जो पदार्थ यूज़ किया जाता है वो घिस जाती है तो बहुत तरह के नुकसान पहुंचाने के साथ साथ घर्षण हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी भी होता है तो चलिए इस लेसन के बारे में इन सभी गुत्थियों का हम लोग उजागर करेंगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर घर्षण क्या होता है इसके बारे में मुझे क्या क्या नॉलेज मिलने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग घर्षण किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों घर्षण घर्षण का इंग्लिश क्या होता है बच्चों आप लोग जानते होंगे इसको हम लोग इंग्लिश में फ्रिक्शन कहा जाता है है ना तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन को लिख देता हूं कि घर्षण किसे कहते हैं इसका परिभाषा क्या होता है तो परिभाषा इसका डेफिनेशन में यहां पर लिख दूंगा तो सबसे पहले घर्षण का देखिए घर्षण एक भौतिक कारक होता है बच्चों है ना ये एक फिजिकल फेनोमिना है याद रखिएगा कि घर्षण एक भौतिक कारक है देखिए घर्षण एक घर्षण एक भौतिक कारक है है ना? घर्षण एक भौतिक कारक है जो गतिशील सतहों के बीच जो गतिशील वस्तु के, सतों के बीच के बीच कार्यरत रहता है है ना? कार्यरत रहता है, तथा या, है है, तथा तथा ना? गति का विरोध करता गति का विरोध करता है विरोध करता है घर्षण कहलाता है घर्षण कहलाता है बच्चों तो ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है बच्चों कि घर्षण एक भौतिक कारक है जो गतिशील वस्तु के स्पर्शी सतहों के बीच कार्यरत रहता है तथा यह गति का विरोध करता है घर्षण कहलाता है जिस प्रकार आप लोग यहाँ जानते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक सतह है इस पर कोई वस्तु चल रही है या घूर्णन गति कर रही है तो उसके इस कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में ये दोनों है ना इस वस्तु का कॉन्टेक्ट है ना जो सतह होगा और इस ज़मीन का जो आपका सरफेस होगा उस दोनों के बीच में यह कार्यरत और घर्षण बल किधर काम करता है यदि वस्तु इधर गति कर रही है तो घर्षण बल ठीक इसके विपरीत दिशा में काम करता है तो इसकी गति का वो विरोध करता है इसका मतलब है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में काम करता है हम लोग भी आप देखेंगे कि अपने हाथों को आप रगड़िए बच्चों है कि ना जिस आपके गति का वो विरोध करेगा इसी विरोध के वजह से क्या होता है हमारे हाथ गर्म हो जाता है है कि नहीं तो विरोध गति जहाँ भी होगी वहाँ पर घर्षण बल काम करता है तो घर्षण आखिर उत्पन्न कैसे होती है बच्चों चलिए हम लोग घर्षण का कारण को हम लोग जानते हैं घर्षण के उत्पन्न का कारण या उत्पत्ति का कारण क्या होता है घर्षण का कारण क्या है है ना घर्षण का कारण क्या होता है बच्चों देखिए हम लोग जनरली जो भी सतह को देखते हैं बच्चों उसको हम लोग माइक्रो इस... स्कॉपिक स्केल में हम लोग नहीं देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्केल कहने का मतलब हो गया उसे हम लोग एक सूक्ष्म स्तर पर नहीं देखते हैं यदि हम लोग उसको एक माइक्रोस्कोपिक स्केल में यदि हम लोग देखेंगे बच्चों तो कोई भी सतह आपको पूर्ण रूप से चिकनी नहीं, नहीं नजर आएगी वो हमेशा कुछ ना कुछ कुछ, कुछ, ना, कुछ ना कुछ उसमें जिगजैग की तरह जो होती है उपस्थित रहती है उबड़ खाबड़ की तरह उसमें उपस्थित रहती है इस प्रकार और जब कोई भी सतह आप कोई भी प्योर सतह यहाँ तक कि आप उसको कितने भी चिकने क्यों नहीं कर दे वो छूने में कितनों भी मुझे मतलब प्लेन महसूस क्यों ना हो लेकिन वो उबड़ खाबड़ ही रहती है माइक्रोस्कोपिक स्केल में है ना तो जब कोई भी सतह जब दूसरे सतह पर जब चलने का जब प्रयास करता है तो इसके उबड़ खाबड़ का जो आप स्पेस देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर छोटा 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 छोटा, छोटा जो गड्ढे नजर आ रहे होंगे उस गड्ढे पर दूसरे वस्तु का गड्ढा है कि नहीं उभार जो होता है वो फंस जाता है और इसको पार करने के लिए मुझे बल लगाना पड़ता है तो यही घर्षण का कारण होता है तो मान लेते हैं कि एक दूसरा आपका देख देख पा रहे कि एक दूसरे प्रकार के वस्तु बना देते हैं ठीक इसके ऊपर जो कि ये आपस में चल रहा है है कि नहीं तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका गड्ढा और इसका उभार दोनों के बीच में ये क्या होता है फंस जाता है जिसके वजह से उस गड्ढों को पार करने में हमको अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है इसी को हम लोग घर्षण का कारण कहते का हैं तो इसको मैं कुछ दो भाषा में लिख देता हूँ बच्चों देखिए कोई भी वस्तु देखिए कोई भी वस्तु सूक्ष्म है कि नहीं सूक्ष्म दर्शिय अवस्था में या सूक्ष्म दर्शिय दृष्टि में दृष्टि में, में पूर्णता पूर्णता है ना पूर्णता समतल नहीं होता है पूर्णता समतल नहीं होता है पूर्णता समतल नहीं होता है उसमें उसमें बहुत उभार उपस्थित होते हैं या बहुत सारे उभार उपस्थित होते हैं या उभार या गड्ढे है कि नहीं उभार या गड्ढे उपस्थित होते हैं उभार या गड्ढे उपस्थित रहते हैं रहते हैं जब कोई दूसरा वस्तु जब कोई दूसरा वस्तु है ना वस्तु इस सतह पर इस सतह पर चलता है जब कोई दूसरा वस्तु इस सतह पर चलता है तो दूसरे वस्तु का है ना तो दूसरे वस्तु का उभार है ना दूसरे वस्तु का उभार पहले वस्तु के गड्ढे में पहले वस्तु के गड्ढे में पहले वस्तु के गड्ढे में फंस जाता है है कि नहीं फर्स जाता है जिसे पार करने के लिए जिसे पार करने के लिए जिसे पार करने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है है कि नहीं अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है है कि नहीं अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है आवश्यकता होती यही बल है कि नहीं यही बल घर्षण का कारण है है कि नहीं यही बल घर्षण का कारण होता है है कि नहीं यही बल आवश्यकता में शायद ये सो होता है ना आवश्यकता में ये स्वा होगा बच्चों मैं गलती लिख दिया हिंदी लिखने का उतना आदत नहीं है बच्चों मुझे इसलिए गलतियां हो ही जाती है लिखने में पढ़ने में है यही बल घर्षण का कारण होता है तो आप लोग घर्षण को अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे कि जब कोई वस्तु सूक्ष्म है ना कोई भी वस्तु जो भी हम अपनी दुनिया में किसी प्रकार की वस्तु को देख रहे हैं तो वो सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक है कि नहीं सेंस में या दृष्टि में या व्यू में कोई भी पूर्णता समतल नहीं होती है इसमें बहुत सारे उभार या गड्ढे उपस्थित रहते हैं तो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते होंगे कि जब कोई दूसरा वस्तु जब इस पर चलेगा तो दूसरे वस्तु में भी तो उभार मौजूद होंगे तो पहले वस्तु के वो गड्ढे में फंस जाता है तो इसको पार करने में मुझे अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है यही घर्षण बल का कारण होता है बच्चों है कि नहीं इसे ही हम लोग घर्षण कहते हैं तो अब हम लोग चलेंगे बच्चों की घर्षण को हम लोग देखेंगे कि घर्षण कितने प्रकार के होते हैं घर्षण के प्रकार है कि नहीं घर्षण के प्रकार घर्षण के प्रकार इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा बच्चों घर्षण के प्रकार क्या-क्या होते हैं तो सबसे पहला जो घर्षण होता है बच्चों उसको हम लोग स्थैतिक घर्षण कहते हैं है कि नहीं कौन सा घर्षण कहते हैं स्थैतिक घर्षण इसको इंग्लिश में स्टैटिक है कि नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है कहा जाता है कि नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है तो इस बात को समझिएगा देखिए कोई भी वस्तु गतिशील कब होती है जब उस पर हम बाह्य बल लगाते हैं मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई वस्तु है इस वस्तु को मुझे गति देना है तो गति हम कब देंगे जब इस पर हम बल लगाते हैं तो ये वस्तु गतिशील हो जाती है तो अब यहाँ पर बात समझिए कि इस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं वह छोटा से छोटा बल लगा रहे हैं जिसके वजह से ये वस्तु गति नहीं कर रही है इसका मतलब इस पर तो छोटा सा बल लगाया जा रहा ऐसे है ऐसे समझिए ना कि मान लेते हैं कि ये वस्तु जो होती है पाँच न्यूटन के बल आरोपित करने पर यह वस्तु गति करती है लेकिन क्या जब इसमें हम तीन न्यूटन का बल आरोपित करेंगे तो ये वस्तु गति नहीं करेगी क्योंकि इसको गति करने के लिए मुझे पाँच न्यूटन के बल की आवश्यकता होती तो क्या जब तीन न्यूटन का हम बल लगा रहे हैं तो क्या इस वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है बल लग रहा है लेकिन वह संतुलित हो जा रहा है किससे संतुलित हो जा रहा है कि इस वस्तु के स्पर्शी सतहों के बीच में लगने वाले घर्षण बल से तो इसका डेफिनेशन स्थितिक घर्षण को हम लोग इस प्रकार भी दे सकते हैं कि यदि किस कोई वस्तु पर आरोपित बाह्य बल को संतुलित करने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है है कि नहीं तो यहां पर देखिए कहते हैं किसी बाह्य बल यहां देखिएगा इसको बहुत अच्छा डेफिनेशन है किसी बाह्य बल कि नहीं बाह्य बल को संतुलित को बाह्य किसी बाह्य बल को संतुलित करने हैं के लिए किसी बाह्य बल को संतुलित करने के लिए वस्तु के अस्पर्शी सतह है कि नहीं वस्तु के अस्पर्शी स्पर्शीय सतह या सतह सत के बीच के बीच स्पर्शी सतह के बीच आरोपित बल के ठीक विपरीत दिशा है ना आरोपित बल के आरोपित बल के ठीक विपरीत दिशा लेकिन ठीक विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में एक संतुलित बल एक संतुलित बल बल उत्पन्न होता है एक संतुलित बल उत्पन्न होता है संतुलित बल उत्पन्न होता है जिसे स्थैतिक घर्षण कहा जाता है लेकिन जिसे स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों कि कोई भी वस्तु जब उस पर गति करने के लिए आवश्यक बल से यदि हम कम बल आरोपित करते हैं तो क्या होता है कि उसके स्पर्शी सतहों के बीच है कि नहीं एक बल काम करता है जिसकी दिशा आरोपित बल के ठीक विपरीत दिशा में होती है है कि नहीं एक संतुलित बल है जो कि आरोपित बल को संतुलित करने का काम कर रहा है तो इसे बल को ही हम लोग स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं ये डिफिनेशन बहुत लेंदी हो गया बच्चों ये बहुत बड़ा हो गया तो चलिए हम लोग इसको छोटा करके लिखते हैं है कि नहीं इस डिफिनेशन को हम लोग छोटा करके लिखते हैं इसको कैसे छोटा करके लिखेंगे आप लिख सकते हैं है नी? स्टार देखे मैं लिख देता हूँ कि स्थिर वस्तु के स्पर्शी सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं है कि नहीं इसको छोटा करके क्या लिखेंगे कि किसी स्थिर वस्तु है न किसी स्थिर वस्तु के स्पर्शी सतहों के बीच लगने वाले स्पर्शी सतह के बीच स्पर्शी सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को है न लगने वाले घर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं ये बताइए बहुत ही अच्छा परिभाषा है जो भी परिभाषा आप लोगों को अच्छा लगता है बच्चों उसे आप स्वीकार कर सकते हैं तो अब चलिए दूसरा नंबर का हम लोग बल घर्षण के बारे में चर्चा करते हैं तो दूसरा नंबर का जो घर्षण बल होता है बच्चों उसको हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं इसी घर्षण को हम लोगों को समझना है सीमांत घर्षण इसको इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हम लोग कहते हैं बच्चों इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है कि नहीं इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है चलिए हम लोग इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो चलिए है, अब देखते हैं देखिए स्थैतिक घर्षण को आप लोगों ने समझा कि कोई वस्तु जब स्थिर रहता है तो उसके स्पर्शी सतहों के बीच में लगने वाले घर्षण बल को हम लोग स्थैतिक घर्षण कहते हैं मान लेते हैं कि ये वस्तु जो है किसी सतह पर स्थिर है इस प्रकार तो इसके सतहों के बीच में जो घर्षण बल काम करेगा उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं अब हम आरोपित बल के मान को बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण का मान भी बढ़ता है जैसे जैसे आप आ, कोई वस्तु स्थिर है है ना और उस पर आप बल लगा रहे हैं तो इसका स्थैतिक घर्षण का मान में वृद्धि होती है लेकिन स्थैतिक घर्षण के मान में एक सीमित वृद्धि होती है उसके बाद वो ज़्यादा वृद्धि नहीं कर सकता है लेकिन आरोपित बल तो हम मनचाह रूप से बढ़ा सकते हैं बच्चों तो एक क्या होगा एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें वस्तु जो होती है है ना गति करने करने की अवस्था में होती है मतलब फिसलने फिसलने की अवस्था में होती है लेकिन स्टार्ट करने की अवस्था में होती है ऐसे भी हम लोग उसको कह सकते हैं मतलब शुरू करने की अवस्था में होती है तो जब है कि नहीं संतुलित बल को जब हम लोग पार करते हैं आरोपित बल अप्लाई करते हैं और संतुलित बल जब पार हो जाता है और वस्तु गति करने, करने करने की अवस्था में होती है तो उसके अस्पर्शी शतों के बीच में लगने वाले बल को या घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहा जाता है तो हम लोग क्या यहाँ डिफिनेशन लिखेंगे बच्चों कि स्थैतिक घर्षण देखिए इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि स्थैतिक है कि नहीं स्थैतिक संतुलित या स्थैतिक घर्षण बल है कि नहीं स्थैतिक घर्षण बल को पार कर पार कर है कि नहीं स्थैतिक घर्षण बल को पार कर वस्तु पर है कि नहीं वस्तु पर बल आरोपित किया जाए वस्तु पर बल आरोपित किया जाए है ना बल आरोपित किया जाए तो वस्तु गति करने करने की अवस्था में होती है वस्तु गति करने 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 की अवस्था में होती है करने करने की अवस्था में होती है है कि नहीं तो इस स्थिति में है ना तो इस स्थिति में वस्तु के इस स्थिति में वस्तु के स्पर्शी सतहों के बीच है ना स्पर्शी सतहों के बीच तो वस्तु के स्पर्शी सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को लगने वाले घर्षण बल को घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहा जाता है सीमांत घर्षण बल कहा जाता है ये बात को आप लोगों को समझनी होगी है कि नहीं स्थैतिक घर्षण बल को पार कर वस्तु पर आरोपित है ना बल आरोपित किया जाए तो वस्तु गति करने करने की अवस्था में होती है तो इस स्थिति में वस्तु के स्पर्शी सतहों के बीच में लगने वाले बल को सीमांत घर्षण कहा जाता है यह भी बहुत लेंदी डेफिनेशन हो गया बच्चों है कि नहीं तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं छोटा डेफिनेशन में बताते हैं तो इसको इस प्रकार भी आप लोग डेफिनेशन दे सकते हैं कैसे दे सकते हैं कि गति करने की अवस्था में वस्तु के स्पर्शी सतहों के बीच में लगने वाले बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं तो गति देखिए गति करने करने है ना गति करने करने की अवस्था है ना बस गति करने करने की अवस्था में है ना गति करने करने की अवस्था में वस्तु के स्पर्शी सतह है ना वस्तु के स्पर्शी सतहों के बीच वस्तु के स्पर्शी सतहों के बीच के बीच लगने वाले घर्षण बल को है ना लगने वाले घर्षण बल को लगने वाले घर्षण बल को इस कौन सा घर्षण कहते हैं सीमांत घर्षण कहा जाता है सीमांत घर्षण कहा जाता है तो चलिए अब हम लोग कुछ सीमांत घर्षण के बारे में इसके कुछ शर्त को पढ़ते हैं है कि नहीं दूसरे पेज में हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों कि सीमांत घर्षण की कुछ कहानी होती है अपना कुछ लिमिटेशन होता है है ना कुछ कंडीशन होती है तो क्या क्या कंडीशन होता है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सीमांत घर्षण में आखिर क्या क्या चीज़ है ना शर्त कंडीशन इसमें पाए जाते हैं तो चलिए हम लोग सीमांत घर्षण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं देखिए सबसे पहला बात सीमांत घर्षण का जो कंडीशन होता है क्या क्या होता है सीमांत घर्षण का सबसे पहला बात क्या होता है सबसे पहला बात होता है कि यह घर्षण बल गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में काम करता है देखिए यह घर्षण बल यह घर्षण बल वस्तु के वस्तु के गति के विपरीत दिशा है ना वस्तु के गति के विपरीत दिशा में काम करता है ना वस्तु के गति के विपरीत दिशा में काम करता है ना वस्तु के गति के विपरीत दिशा में काम करता है। ये तो आप लोग जानते ही दूसरा बात क्या होता है देखिए दूसरा बात क्या होता है कि देखिए सीमांत घर्षण का मान जो होता है वो वस्तु के स्पर्शी सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है यह बात कुछ समझने वाली बातें हैं बच्चों देखिए हमने क्या लिखा कि सीमांत घर्षण का मान नहीं, सीमांत घर्षण का मान वस्तु के स्पर्शी सतह है ना वस्तु के स्पर्शी सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता इस बात को आप लोगों को समझनी होगी क्या मैंने कहा सीमांत घर्षण का मान वस्तु के स्पर्शी सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है अब जरा सा आप लोग इस कलम का ढक्कन को देखिए आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे कि कलम का यह जो सतह आप लोग देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो सीमांत घर्षण का मान जो होगा इस प्रकार जो लग रहा है इसके सतहों के बीच स्पर्श सतहों के बीच में वही घर्षण का मान सेम टू सेम इसपे भी लगेगा ये यदि वस्तु इस प्रकार गति करे तो इसका क्षेत्रफल देखिए कितना कम है इस भाग का क्षेत्रफल देखिए कितना कम है और इस भाग का क्षेत्रफल कितना ज़्यादा है तो आप लोग कहिएगा कि सर कि घर्षण बल यदि इस सतह पर यदि वो चले इस तरह चले तो ज़्यादा घर्षण बल काम करेगा है ना और इस सतह पर काम कर चले तो वो कम काम करेगा लेकिन ये बात नहीं होती है भौतिक की दृष्टि से है कि नहीं यदि वो इस प्रकार भी चले चाहे वो इस प्रकार चले सीमांत घर्षण दोनों ही अवस्था में समान होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है आस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है चलिए तीसरा बात क्या होता है सीमांत घर्षण का मान जो होता है वो वस्तु के प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है देखिए सीमांत घर्षण बल, बल का मान सीमांत घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल का मान क्या होती है वस्तु के प्रतिक्रिया बल वस्तु के भार ऐसे भी कह सकते हैं कि भार का प्रतिक्रिया बल वस्तु के भार का प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है भार के प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है इसको हम लोग आगे भी देखेंगे बच्चों समानुपाती होती है इसका मतलब है कि वस्तु का भार जैसे जैसे बढ़ेगा घर्षण बल बढ़ेगी है कि नहीं? समानुपाती होती है चौथा नंबर में क्या होता है हम लोग देखते हैं चौथा नंबर में क्या होगा बच्चों कि सीमांत घर्षण का मान है ना सीमांत घर्षण का मान है कि नहीं स्पर्शीय सतहों की प्रकृति पर निर्भर करती है स्पर्शीय सतह के प्रकृति पर निर्भर करती है कि है ना प्रकृति पर निर्भर करती है प्रकृति पर निर्भर करती है तो इसको आप लोग जानते हो यदि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा यदि ये प्लेन है तो उसका घर्षण बल का मान ये कम हो सकता है कि नहीं यदि बहुत ज्यादा ये रुखड़ा है तो घर्षण बल का मान ज्यादा हो सकता है तो इस प्रकार वो सतहों के प्रकृति पर निर्भर करती है तो सीमांत घर्षण का आप लोग देखें कि ये चार शर्त पर यह काम करती है सबसे पहले बात कि सीमांत घर्षण क्या होता है यह कोई भी घर्षण हो बच्चों है कि नहीं विपरीत दिशा में आरोपित क्या होता है गति के ठीक विपरीत दिशा में यह काम करता है सीमांत घर्षण का मान वस्तु के

गति के घर्षण गति के घर्षण करने का मतलब क्या हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन इसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं गति के घर्षण अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है अब बताइए तो इसको सिंपल सा डेफिनेशन लिखेंगे गतिशील वस्तु के स्पर्शी सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गति के घर्षण कहते हैं इसका हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे गतिशील वस्तु है कि नहीं गतिशील वस्तु के गतिशील वस्तु के स्पर्शीय सतहों के बीच है कि नहीं स्पर्शीय सतहों के बीच स्पर्शीय सतहों के बीच लगने वाले बल को है कि नहीं लगने वाले घर्षण बल को घर्षण बल को क्या कहते है? हैं गतिक घर्षण कहते हैं गतिक घर्षण कहते हैं तो आप लोग जो है अब इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि तीनों घर्षण में कौन ज़्यादा बड़ा घर्षण होता है तो सबसे तीनों के बारे में यदि हम तुलना करेंगे तो उसमें स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा होता है है कि नहीं ये सबसे बड़ा होता है उससे छोटा क्या होता है उससे छोटा सीमांत घर्षण होता है, है कि नहीं और उस सबसे कम घर्षण जो होता है सतहों के बीच में काम करेगा जब वस्तु गतिशील होती है इसका मतलब है कि गति के घर्षण जो होता है वो सबसे कम होता है सबसे बड़ा घर्षण स्थैतिक घर्षण उससे छोटा सीमांत घर्षण उससे छोटा गति घर्षण होता है तो इस प्रकार आप लोग उसको याद रखते हैं गति घर्षण बच्चों दो प्रकार के होते हैं हम लोग इसको पढ़ लेते हैं है ना गति घर्षण दो प्रकार के होते हैं कौन कौन होते हैं चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं है ना गति के घर्षण दो प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं कौन कौन होते हैं तो सबसे पहला जिसको हम लोग सर्पी है कि नहीं सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण मतलब क्या होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग है कि नहीं इसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है मतलब यदि कोई वस्तु किसी सतह पर सरकता है सरकता मतलब आप समझ रहे होंगे है कि नहीं वो लोटन या घुरन नहीं कर रहा है उसको सरकाया जा रहा है घीस के लाया जा रहा है उसको तो उसके सतहों के बीच में काम करने वाला फ्रिक्शन बल को हम लोग सर्पी घर्षण कहते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि देखिए जब कोई वस्तु है ना जब कोई वस्तु किसी सतह पर है ना किसी जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकता है नहीं किसी सतह पर सरकता है तो उसके है ना स्पर्शीय सतहों के बीच तो उसके स्पर्शीय सतहों के बीच है कि नहीं अस्पर्शीय सतहों के बीच लगने वाले बल को लगने वाले बल को सर्पी घर्षण कहा जाता है नहीं नहीं, सर्पी घर्षण कहा जाता है

जब कोई वस्तु किसी सतह पर जब कोई वस्तु किसी सतह पर नहीं, नहीं लौटन करता है लौटन या लुढ़कता है लुढ़कता है तो उसके सतहों के बीच तो उसके स्पर्शीय सतहों के बीच के बीच लगने वाले बल को लॉटनिक घर्षण है ना लॉटनिक घर्षण कहा जाता है लौटनिक घर्षण कहा जाता है अब आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि दोनों घर्षण में सबसे ज्यादा घर्षण क्या होगा या दोनों ही प्रकार की यदि हम लोग क्रिया करते हैं या किसी वस्तु को लुड़का के ले जा रहे हैं या किसी वस्तु को सरका के ले जा रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा बल किस अवस्था में काम करेगा तो वो आप लोग अंदाज ही लगा करके बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा घर्षण बल सर्पी घर्षण होगा लौटन की अवस्था में कम होगा है कि नहीं तो यही एक कहानी है ना बच्चों कि हम लोग को के मतलब आदि मानव के समय में जब पहिया का का निर्माण हो गया था तो उसको विकास का एक और चरण कहा जाता था क्यों क्योंकि उस समय जब पहिया का निर्माण नहीं हुआ था तो उसमें कोई भी वस्तु को सरका के ले जाया जाता था ताकि वह वहाँ पर मनुष्य को ज्यादा बल लगता था लेकिन पहिया का निर्माण हो जाने की वजह से वस्तु अपने बल के मान को घटा लिया जिसके वजह से वो विकास का एक चरण कहा जाता है तो ऐसे भी आप लोग उसको समझ सकते हैं है कि नहीं कि सर्पी घर्षण या लौटनी घर्षण उसमें सबसे ज़्यादा जो घर्षण होता है उसको हम लोग सर्पी घर्षण कहते हैं मतलब सर्पी घर्षण लौटनी घर्षण से बड़ा होता है है ना लौटनी घर्षण से इस बात को हम लोग जानते हैं तो इतनी इतनी तरह के घर्षण को आप लोगों ने आज को बढ़िया अच्छी तरह से बच्चों जाना तो चलिए हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे और फिर से जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको हम लोग शुरुआत किए थे उसी से हम लोग चलिए फिर से शुरुआत करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन है ना सीमांत घर्षण क्या हो? के अवस्था में या फिर कोई भी तरह के घर्षण के बारे में हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि घर्षण बल जो होते हैं घर्षण बल होता क्या है है ना किसी दो वस्तु के स्पर्शी सतहों के बीच में लगने वाला घर्षण बल वस्तु के प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, है कि नहीं चलिए हम इसको देखते हैं कि देखिए यहाँ नियम क्या हो गया कि घर्षण जो होता है ना घर्षण बल क्या होता है कि वस्तु के वस्तु के प्रतिक्रिया बल तो प्रतिक्रिया बल किसका होगा भार का प्रतिक्रिया बल तो है ना घर्षण बल वस्तु के प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है समानुपाती होता है तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि यहां पर एक कोई वस्तु है जो कि किसी सतह पर वो चल रहा है तो उसके सतहों के गति के ठीक विपरीत दिशा में एक बल आपका क्या काम कर रहा है एफ बल काम कर रहा है और इस वस्तु का जो भार का जो प्रतिक्रिया है वो आर है तो वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है मतलब एफ समानुपाती आर होता है घर्षण बल वस्तु के प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि एफ समानुपाती आर होगा तो इस समानुपाति को यदि हम लोग तोड़ेंगे बच्चों तो एक नियतांक देते हैं जिसको हम लोग म्यू कहते हैं है कि नहीं म्यू आर जहाँ म्यू एक नियतांक है जहां म्यू एक नियतांक है जिसे नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहा जाता है जिसे घर्षण गुणांक कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है, है कि नहीं उसे घर्षण गुणांक कहा जाता है इस बात को आपको समझनी होगी इसे हम लोग घर्षण गुणांक कहते हैं बच्चों तो यहाँ म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों तो म्यू इज इक्वल टू हो गया एफ़ बाय आर तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये डेफिनेशन म्यू का हमको मिला तो म्यू आखिर क्या है एफ़ भी एक बल है आर भी एक बल है दोनों प्रतिक्रे बल है और ये भी एक भार है भार भी एक बल है तो उसका मतलब है कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि घर्षण गुणांक दो बल का अनुपात है इसका मतलब है कि ये एक मात्रकहीन बीमाहीन भौतिक राशि है है कि नहीं ये क्या है देखिए घर्षण गुणांक, यहाँ पर हम लोगों को लिख सकते हैं है कि नहीं घर्षण गुणांक मात्रकहीन घर्षण गुणांक मात्रकहीन बीमाहीन बीमा है ना बीमाहीन भौतिक राशि है भौतिक राशि है बच्चों क्यों क्योंकि ये दो समान राशि का अनुपात होता है बल एफ घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल दोनों एक ही प्रकार की राशि है भले इसकी प्रकृति अलग अलग हो लेकिन ये राशि समान है इसीलिए इस है कि नहीं ये भी न्यूटन में तो ये भी न्यूटन में मापा जाएगा दोनों कट जाएगा तो ये एक संख्या देगा इसका मतलब है कि म्यू एक शुद्ध संख्यात्मक मान है तो यहाँ पे लिख देता हूँ यह एक शुद्ध संख्यात्मक मान है यह एक शुद्ध संख्यात्मक मान है शुद्ध संख्यात्मक मान है बच्चों तो इसी के लिए हम लोग यदि हम क्या करते हैं कि स्थैतिक घर्षण के कंडीशन में ले लेंगे तो म्यू एस लेंगे यदि हम लोग इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन के ले लेंगे तो म्यू एल ले लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के रूप में लेंगे तो म्यू के लेंगे तो अलग अलग फ्रिक्शन के लिए म्यू का मान अलग अलग होता है तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे चलिए दूसरे पेज में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बच्चों तो यहां पर सबसे पहले म्यू का बात हम लोग काम करते हैं स्थैतिक घर्षण की स्थिति में तो चलिए अब हम लोग घर्षण गुणांक का जो मान होता है उसको अलग अलग घर्षण के स्थिति में हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्थैतिक घर्षण की स्थिति में क्या होगा है कि नहीं देखिए स्थैतिक घर्षण की स्थिति में घर्षण गुणांक का मान क्या होता है तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं घर्षण गुणांक एफ यहाँ लिखना होगा एस एफ एस क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस आर होगा है कि नहीं तो हम लोग म्यू एस का वैल्यू कितना दे देंगे म्यू एस का वैल्यू हो जाएगा एफ एस बाय और यहाँ पर आर होगा तो ये घर्षण है ना किसकी स्थिति में था स्थैतिक घर्षण की स्थिति में निकल गया इसको हम लोग स्थैतिक घर्षण गुणांक भी कहते हैं म्यू एस क्या है यहाँ पर इसको हम लोग स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक यह चीज है इसके बाद हम लोग किस देखेंगे घर्षण में सीमांत घर्षण की अवस्था में हम लोग देखेंगे सीमांत घर्षण की अवस्था में तो सीमांत घर्षण में हम लोग को एफ एल लेना पड़ेगा तो एफ एल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एल आर होगा है कि नहीं तो म्यू एल का वैल्यू कितना हो गया म्यू एल इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एल बटा आर तो ये चीज हम लोग लिखेंगे तो म्यू एल यहाँ पर क्या है इसको हम लोग सीमांत घर्षण गुणांक हम लोग कहते हैं म्यू एल को हम लोग क्या कहेंगे सीमांत घर्षण गुणांक हम लोग कहेंगे कि नहीं हम लोग यहाँ पे सीमांत घर्षण गुणांक म्यू एल इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर सीमांत घर्षण गुणांक सीमांत घर्षण गुणांक हम लोग कहेंगे उसके बाद उसके बाद गति के घर्षण की अवस्था में हम लोग देखेंगे कि क्या होगा गति के घर्षण की अवस्था में तो गति के घर्षण में हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा एफ़ के क्योंकि काइनेटिक होता है है कि नहीं तो एफ एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के आर और यहाँ पर म्यू के इज इक्वल टू हो गया एफ के और यहाँ पर बाय आर होगा तो आप लोग अंदाजा लगा लगा सकते हैं कि तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन बड़ा होगा तो म्यू के को सबसे पहले लिख देते हैं म्यू के बराबर यहाँ पर इसको कहते हैं गति के घर्षण गुणांक कहते हैं इसको गतिक घर्षण गुणांक हम लोग लोग कहते हैं तो आप लोग तीनों के बारे में तुलना करेंगे और इस जानने का प्रयास करिए कि म्यू एस ज्यादा बड़ा है कि म्यू एल ज्यादा बड़ा है या म्यू के ज्यादा बड़ा है कि तीनों में से कौन ज्यादा बड़ा है तो चलिए इसको हम लोग जानने के लिए एक यहाँ पर वस्तु का हम लोग प्रयोग करते हैं किसी सतह पर एक वस्तु रखी गई है जिसका ये अविलंब प्रतिक्रिया बल आर है तो तीनों घटना को एक ही वस्तु से हम लोग क्या कर रहे हैं घटित कर रहे हैं इसका परीक्षण कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि तीनों ही स्थिति के लिए आर 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 ये तो कांस्टेंट हो जाएगा नियतांक होगा तो अब बदलेगा कौन बदलेगा सिर्फ घर्षण का मान एफ एस का मान बदलेगा एफ एल का मान बदलेगा एफ के का मान बदलेगा इसी के अनुसार म्यू एस चेंज होगा म्यू एल चेंज होगा म्यू के चेंज होगा तो आर को तो हम लोग कॉन्स्टेंट कर दिए तो बदलेगा कौन एफ एस तो सबसे ज़्यादा कौन बड़ा होता है एफ तो इसका मतलब है कि म्यू एस सबसे ज़्यादा बड़ा होगा कहने का मतलब होगा कि म्यू एस सबसे बड़ा होगा उसके बाद म्यू एल आएगा उसके बाद म्यू के आएगा तो क्यों ऐसा हुआ क्योंकि स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है उसके बाद सीमांत घर्षण होता है उसके बाद गति घर्षण होता है इसी के संदर्भ में हम लोगों ने कह दिया कि म्यूएस का मान सबसे बड़ा होता है म्यूएल से है कि नहीं म्यूएल बड़ा होता है म्यूके से है कि नहीं तो इस प्रकार हम लोगों ने इस घर्षण को जाना तो चलिए आगे हम लोग इस लेसन को बढ़ाते हैं बच्चों और हम लोग दो चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे एक घर्षण कोण और एक विराम कोण के बारे में हम लोग जानेंगे है कि नहीं जिसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज भी हम लोग कहते हैं तो पहले जानने का प्रयास करेंगे कि घर्षण किसको कहते हैं तो के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घर्षण कोण कहते हैं बाद मैं इसका डेफिनेशन को लिख दूंगा तो सबसे पहले यहां पर एक सतह का निर्माण करता हूँ इस पर एक वस्तु जो कि गतिशील है है कि नहीं जो कि गतिशील है इसकी गति इस दिशा में हो रही है तो इस पर घर्षण बल ठीक इसके विपरीत दिशा में काम करेगा बच्चों इस डायरेक्शन में एफ़ काम करता है एफ़ ये घर्षण बल हो गया अब ये वस्तु है तो इसका भार होगा तो भार होगा तो इसकी प्रतिक्रिया बल भी होगी और इसकी प्रतिक्रिया बल ठीक इसके भार के विपरीत दिशा में काम करता है लेकिन इसका मतलब है कि ये प्रतिक्रिया बल भार एम को संतुलित कर रहा है तो अब हम लोग इसको देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर दो बल है एक एफ बल है और एक प्रतिक्रिया बल घर्षण बल प्रतिक्रिया बल तो दोनों बल का परिणामी बल होगा है कि नहीं परिणामी बल होगा तो मान लेते हैं कि इस दोनों बल का परिणामी ये बल हो गया आर डैश ये इसका परिणामी बल है तो घर्षण बल क्या होता है तो आप समझिए घर्षण बल घर्षण बल तथा प्रतिक्रिया बल का परिणामी आर डैश वस्तु का प्रतिक्रिया बल के साथ जितना कोण बनाता है इसका मतलब है कि ये हो गया आपका परिणामी और ये हो गया प्रतिक्रिया बल के साथ जितना कोण बनाएगा तो ये मान लेते हैं ये कोण अल्फा है तो इसी को हम लोग घर्षण कोण कहते हैं ये कुछ खास नहीं है इसको तुरंत समझा जा सकता है बच्चों तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं क्या लिखेंगे कि घर्षण बल देखिए घर्षण बल तथा प्रतिक्रिया बल घर्षण बल तथा प्रतिक्रिया बल का परिणामी घर्षण का बल तथा प्रतिक्रिया बल का परिणामी प्रतिक्रिया बल के साथ जितना बनाता है प्रतिक्रिया बल के साथ के साथ जितना बनाता है जितना कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं उसे घर्षण कोण कहते हैं बच्चों तो ये कुछ खास नहीं है बच्चों तो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं कि घर्षण कोण कितना होता है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रतिक्रिया बल से है कि नहीं यहां देख पा रहे हैं कि ये परिणामी बल है तो परिणामी बल से प्रतिक्रिया बल पर एक हम लोग लंब ड्रॉ कर देंगे है कि नहीं अब ये लम्ब आप देख पा रहे हैं कि घर्षण बल के बराबर है समानांतर है तो ये भी एफ होगा तो ये एक त्रिभुज आपको प्राप्त हो गया देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज है इस त्रिभुज से हम लोग टेन अल्फा का मान निकाल लेंगे है कि नहीं हमने क्या लिखा कि परिणामी बल परिणामी बल आरडैश के साथ है ना परिणामी बल आर डैश के साथ बनाया गया कोण है ना बनाया गया कोण कोण का टेन लेते हैं है कि का टेन लेने पर बनाया गया कोण का टेन लेने पर हमने क्या लिखा परिणामी बल आडेस के साथ बनाया गया कोण का टेन लेने पर तो कहने का मतलब हो गया हम टेन अल्फा लेंगे तो टेन अल्फा तो ये आपका लंब हो गया और ये आधार हो जाएगा तो कहने का मतलब हो गया क्या एफ बाय आर हो गया इसको हम लोग समीकरण नंबर एक कहेंगे अब घर्षण गुणांक के परिभाषा से है ना घर्षण गुणांक के परिभाषा से घर्षण गुणांक के परिभाषा से तो घर्षण गुणांक का परिभाषा क्या होता है म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर तो इसको हम लोग समीकरण नंबर दो कह देंगे है ना तो समीकरण एक और दो से देखेंगे क्या निकलता है समीकरण एक और दो दे, देख देख पा रहे हैं कि इसका राइट साइड एफ बाई आर यहाँ पर भी एफ बाई आर होता है तो इसका मतलब तो दोनों बराबर होगा समीकरण एक तथा समीकरण दो से समीकरण एक तो समीकरण दो से तो क्या हो गया कि टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू निकल गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है इसको आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें इसका मतलब हो गया कि घर्षण कोण का मान घर्षण गुणांक के बराबर होता है कहने का मतलब क्या हो गया कि घर्षण कोण का मान घर्षण कोण का मान है ना घर्षण कोण का मान घर्षण कौन का मान घर्षण गुणांक के बराबर होता है है ना घर्षण गुणांक के बराबर होता है घर्षण कौन का मान घर्षण गुणांक के बराबर होता है बच्चों तो यह चीज हम लोगों ने आज इसे जाना है कि नहीं तो चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि विराम कोण किसको कहते हैं बच्चों विराम है तो विराम कोण के लिए हम लोगों को एक नत समतल का प्रयोग हम लोगों को करना पड़ेगा नत समतल है कि नहीं नत समतल मतलब क्या होता है आप देखे होंगे है कि नहीं उच्चा रास्ता जो होता है सड़क होता होगा तो इस प्रकार नत समतल बनाया जाता इस है इस प्रकार मान लेते हैं कि ये एक है ये सड़क है ये वाला ये नत समतल है ये चीज देख पा रहे होंगे कि नत समतल है तो नत समतल का जो कोण होता है उसी को हम लोग विराम कोण कहते हैं ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं मान लेते हैं कि नत समतल पर कोई वस्तु जो है गति कर रही है किसी भी तरह से इस प्रकार ये गति है नत समतल पर कोई वस्तु मान लेते हैं कि ऊपर की ओर गति कर रही है इधर की ओर तो इस पर घर्षण बल गति की दिशा उसका इधर है बेग और बस्तु के घर्षण बल किधर काम करेगा ठीक उसके विपरीत दिशा में काम करता है या एफ घर्षण बल काम करता है इस प्रकार अभी इस वस्तु का प्रतिक्रिया बल होगा है कि नहीं इस वस्तु का प्रतिक्रिया बल तो इसके ठीक लंबो दिशा में होगा इस प्रकार इसका प्रतिक्रिया बल होगा हम लोग दिखाएंगे यह प्रतिक्रिया बल हो गया आर है कि नहीं ये इसका प्रतिक्रिया और वस्तु का भार क्या होगा उद्वाधर नीचे की ओर काम करेगा इस प्रकार उद्वाधर एम जी नीचे की ओर काम करता है तो अब हम लोग क्या करेंगे है कि नहीं अब हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों कि या तो इसका वियोजित मान है कि नहीं हम लोग इसका वियोजित मान हम लोग लेंगे है कि नहीं तो बियोजित मान किस दिशा में लेंगे वियोजित मान हम लोग लो किस दिशा में लेंगे है कि नहीं या तो फिर आप इसके भार का प्रतिक्रिया बल ले लीजिए या फिर इसका हम लोग प्रतिक्रिया बल का वियोजित मान लेंगे तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं बच्चों की इसका जो भार है इसका हम लोग बियोजित मान ले लेते हैं तो एक मान इसका इधर की ओर प्राप्त होगा और एक इसका बियोजित मान दो लंबो दिशा में लेते हैं ना तो ये चीज़ हम लोगों को प्राप्त हो गया तो ये चीज़ मान लेते हैं कि ये ये यदि थीटा कोण बना रहा है तो ये भी मेरा कोण थीटा होगा इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं मतलब जितना ज़्यादा ऊँचाऊ होगा है कि नहीं ऊँचा होगा रास्ता मतलब इसके कोण जितना ज़्यादा होगा तो उसका भार जो होगा उतने कोण से डाइवर्ट होगा हिलेगा ठे नहीं उतना ज़्यादा होगा और ये मेरा उद्वाधर घटक है मतलब उद्वाद लंब है मतलब वस्तु यदि इस प्रकार गति कर रही है इस प्रकार मान लेते हैं कि वस्तु इस प्रकार गति कर रही है इस नत पर गति कर रही है तो अब ये इसके कोण पर निर्भर करेगा ना कि ये चीज़ अब ये मानिए कि ये इस प्रकार है तो ये चीज़ यहाँ पर आ गया अब इसको और ज़्यादा उठा देंगे तो इसका देखिए प्रतिक्रिया बल बार बार बदल रहा है तो इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे प्रतिक्रिया बल बदलेगा तो प्रतिक्रिया बल के अनुदीस जो इसका एक घटक होगा वो भी तो बदलेगा क्योंकि देख पा रहे होंगे कि एम के साथ ये कौन बन रहा है ठीटा यदि ये कौन ठीठा है तो ये भी कौन ठीठा होगा इसी ठीटा कौन को हम लोग क्या कहते हैं विराम कौन कहते हैं इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा एम जी कॉस और एक कम्पोनेंट डायरेक्शन में हो जाएगा एम जी थीटा है कि नहीं एक कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन ठीटा हो जाएगा ये चीज हम लोग देख पा रहे हैं तो हम लोग पहले विराम कोन को परिभाषित करेंगे बच्चों उसके बाद इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि विराम कौन पहले कहते हैं किसको है? लेकिन इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं प्रैक्टिस यदि करिएगा तो आसानी से समझ सकते हैं विराम कौन किसको कहेंगे कि किसी नत समतल पर देखिए किसी नत समतल पर है ना नत समतल पर गतिशील वस्तु है ना किसी नत समतल पर गतिशील वस्तु वस्तु के है ना वस्तु के भार का वस्तु के भार का उसके प्रतिक्रिया है ना वस्तु के भार का उसके प्रतिक्रिया बल के दिशा के ठीक विपरीत के दिशा प्रतिक्रिया बल के दिशा के ठीक विपरीत दिशा ठीक विपरीत दिशा में दिशा में भार का वियोजित मान के साथ भार के वियोजित मान के साथ वियोजित मान के साथ बनाया गया कौन बनाया गया कौन विराम कोण कहलाता है विराम कोण कहलाता है ये डेफिनेशन थोड़ा सा पेचीदा होता है लेकिन फिर भी आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा देखिए मैंने क्या कहा कि वस्तु यदि नत समतल पर गति कर रहा है तो उसका भार उद्वादन नीचे की ओर काम करेगा तो ये उद्वादन नीचे की ओर काम किया अब इसकी प्रतिक्रिया बल तो इसके नत समतल के ठीक लंबोत काम करेगा ऊपर की ओर तो नत समतल कि जो लंबवत घटक जो है आपका आर जो है प्रतिक्रिया बल उसके विपरीत दिशा में भार का जो बियोजित मान लिए हैं क्या एमजी कॉस्टिटा इसके साथ जो कोण बना रहा है इसी को हम लोग विराम कोण कहते हैं है कि नहीं यही विराम कोण है इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा समझने का प्रयास करना होगा बच्चों है कि नहीं? नहीं समझ में आता है तो एक बार हम फोटो को फिर से बनाते हैं देखिए इसको समझने का प्रयास करिएगा अच्छी तरह से इस प्रकार मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई वस्तु है इस प्रकार गति कर रही है है कि नहीं तो इसका ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा इस प्रकार और इसकी प्रतिक्रिया बल तो इसके ठीक लंबवत काम करेगा सतह के लंबवत काम करता है तो सतह के लंबवत इसकी प्रतिक्रिया बल काम कर रही है और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका भार एम जी का हम लोग मान लेंगे तो मान दिशा में लेते हैं एक इसके ठीक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल के ठीक विपरीत दिशा में बियोजित मान लेते हैं और एक इस दिशा में हो जाएगा क्योंकि हमको बियोजित मान दो लंबवत दिशा में होता है तो ये जो कोण बन रहा है एक बियोजित मान ये जो कोण बन रहा है एम जी थीटा है ना ये जो आपका कोण होगा ये दोनों के बीच का जो कोण होता है उसी को हम लोग विराम कोण कहेंगे या फिर आप कह सकते हैं कि नत समतल का कोण जो होता उसको है उसको विराम कोण कह सकते हैं छोटी सा छोटा लैंग्वेज में आप लोग कह सकते हैं या फिर इसको आप लोग आसान डेफिनेशन होता है नत समतल के कोण को विराम कोण कहा जाता है है ना नत सम है ना नत समतल के कोण को है ना नत समतल के कोण को विराम कोण कहा जाता है विराम कोण कहा जाता है है ना नत समतल के कोण को विराम कोण कहा जाता है तो यहाँ पर चित्र के अनुसार ऊपर के चित्र के अनुसार आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं देखिए यहाँ पर क्या होगा आप फोटो को अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे चित्र में देखिए तो क्या होता है कि आर वस्तु का है ना चित्र में देखिए उतनी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी नहीं जा सकती है इसीलिए फोटो का आपको समझना होगा देखिए वस्तु का प्रतिक्रिया बल वस्तु का प्रतिक्रिया बल आर को संतुलित कौन कर रहा है है कि नहीं प्रतिक्रिया बल को संतुलित कौन कर रहा है एम जी कॉस ठीटा तो है ना प्रतिक्रिया बल को संतुलित कर रहा है कौन एम जी कॉस ठीटा यह संतुलित कर रहा है दूसरी बात है कि घर्षण बल वस्तु इधर कर रही है तो वस्तु को संतुल घर्षण बल कौन प्रदान कर रहा है तो एम जी साइन ठीटा है कि नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का घर्षण बल वस्तु का घर्षण बल है कि नहीं वस्तु का घर्षण बल क्या हो जाएगा घर्षण बल तो यहाँ पर लिखेंगे F इज इक्वल टू आप देख पा रहे हैं एम है ना एफ की दिशा में mg sin जी तो इसको भी हम लोग लेंगे यहाँ पर mg sin साइन ठीटा यहाँ पर हो जाएगा अब दोनों को हम लोग भाग दे देंगे है कि नहीं दोनों को हम लोग भाग देंगे तो दोनों को भाग देने, देने पर दोनों को भाग देने पर दोनों को हम लोग भाग देंगे तो क्या लिखेंगे दोनों को हम लोग भाग देंगे तो सबसे पहले हम लोग एफ लिखते हैं तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया एम जी साइन ठीटा अब इसको हम लोग भाग दे देंगे आर से आर इज इक्वल टू यहाँ पर भी हो गया एम जी कॉस ठीटा तो इसका मतलब है एम जी एम जी कटेगा तो डेट सिंप्लाइज क्या प्राप्त हो गया हम लोगों को एफ बाय आर है कि नहीं एफ बाय आर इज इक्वल टू साइन बाय कॉस इज इक्वल टू हम लोग को प्राप्त हो जाएगा टेन थीटा और आप लोग जानते हैं कि घर्षण गुणांक का परिभाषा क्या होता है म्यू इज इक्वल टू होता है एफ बाय आर है कि नहीं एफ बाई आर होता है तो हम लोग एफ बाय आर के जगह में क्या रख देंगे म्यू तो म्यू इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया आपका टेन ठीटा और थोड़ा देर पहले आप लोगों ने अभी देखा कि घर्षण कौन म्यू इज इक्वल टू क्या होता है टेन अल्फ़ा भी होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन थीठा होगा तो ये चीज़ हम लोगों को प्राप्त करना था है कि तो नहीं तो ये चीज हम लोगों को प्राप्त करना था बच्चों कि विराम कोण का मान भी घर्षण गुणांक के बराबर होता है तो अलग अलग कंडीशन में देखिए विराम कोण का मान है ना विराम कोण का मान है ना घर्षण गुणांक के बराबर होता है विराम कोण का मान घर्षण गुणांक के बराबर होता है बराबर होता है तो आज बच्चों इतना ही मेरा वीडियो रहेगा है कि नहीं इसके बाद हम लोग इसी के बारे में एलोब्रेट हम लोग करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा कि घर्षण कौन का मान भी घर्षण गुणांक के बराबर है अभी देख रहे हैं विराम कौन का मान भी घर्षण गुणांक के बराबर है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसके बीच में हम लोग तुलना करेंगे मतलब क्या हो गया कि अल्फा बराबर थीटा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर थीटा होगा यहाँ पर तो इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्योंकि आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है है कि नहीं ज्यादा मतलब वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड करने से मेरे साथ प्रॉब्लम यही होता है कि वीडियो को अपलोड करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को आ, आ, मतलब एक दिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा बस उसके बाद मैं दूसरा वीडियो जो अपलोड करूँगा तो इसके बारे में पूरा मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगा आज लेसन तो मैंने शुरुआत ही किया था है कि नहीं किया हूँ आगे इसके बारे में जितनी भी तरह की बातें हैं सबको मैंने कंप्लीट करूंगा इसके बारे में थ्योरी को पूरा देखूंगा कि आखिर कैसे क्या होता है और क्या क्या सिद्धांत हम इसमें हम लोग दे सकते हैं आगे कैसे बढ़ सकते हैं तो इन सभी चीज़ों को आप लोग मद्देनज़र रखते हुए बच्चों इस सिद्धांत को पहले अच्छी तरह समझें कि घर्षण कौन इस पर दिमाग नहीं लगाना है कि आखिर घर्षण कौन ऐसा क्यों हुआ विराम कौन ऐसा क्यों हुआ आप लोग पहले समझें कि घर्षण कौन क्या होता है विराम कौन क्या होता है इसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे है कि नहीं आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखें यदि नहीं समझ में आता है वीडियो को दोबारा देखें दोबारा भी समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को कम से कम तीन बार जरूर देखें और इसे समझने का प्रयास करें तो ठीक है बच्चों आज वीडियो को इतना ही दूर तक मैं करके समाप्त करना चाहता हूं तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखें और समझने का प्रयास करें ठीक है बच्चों आप लोग पहले के बाद ही हंसते रहें मुस्कुराते रहें और खूब खेलते रहें है कि नहीं हमेशा खुश रहें बच्चों तो फिर आप लोगों के साथ मैं एक नेक्स्ट टॉपिक्स का के साथ उपस्थित रहूँगा तब तक के लिए मुझे है ना विराम दें मुझे विदा दें है कि नहीं आप लोग जो वीडियो को मेरा देखा उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स जय हिंद